So student, we just saw so many example based on square, perfect square and etc. etc. अभी हम कुछ simple simple square फिर से solve करेंगे, so that we can observe a new property, right? पहले हम लिखेंगे simple से square, like 10 square. 10 square क्या होगा? 10 into 10 means 100. Square का meaning तो आपको समझ में आ गया है कि number multiply by itself, ठीक है? Now I am increasing the zero, like I am taking 100. So what will be the square of 100? 100 multiply by 100 means 10,000. Now again I am increasing the number and zeros. 2500 square. तो क्या होगा? 2500 multiply by 2500. So what will be the result? 25 and 25 will give you 625 and zeros. Right? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ टेबल. 5000 स्क्वायर, सो द स्क्वायर ऑफ 5000 इज 5000 मल्टीप्लाई बाय 5000. 5 5 25 एंड जीरोस, राइट? अब आप अगर इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि जब हम जीरो एक ले रहे हैं तो आंसर इज इन टू, टू जीरोस, राइट? मीन्स द स्क्वायर ऑफ 10 इज twice. Similarly, यहाँ पर two zeros हैं, तो उसका जब multiplication हुआ, तो in the result we'll have four zeros. Similarly, here also two zeros, so in result we have four zeros. Here we have three zeros and square of three zeros, so the result is six zeros. तो क्या observe हुआ इससे कि जब हम number को number से multiply कर रहे हैं and zeros हमारे पास हैं, तो जीरोस का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ट्वाइस हो जाएगा, राइट? मींस यहां पर थ्री थे, स्क्वायर ऑफ थ्री जीरोस जब हो रहा है तो इट इज ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल, जितना था उसका ट्वाइस हो गया. एक और नंबर इंक्रीज कर देते हैं, लाइक आई एम हैविंग 40,000, स्क्वायर ऑफ 40,000. सो क्या होगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 40,000, राइट? अभी क्या होगा? 4 4 जा 16 एंड 4 एंड 4 एट जीरोस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है? तो इट इज क्लियरली शोइंग दैट जब भी हम जीरोस का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ट्वाइस हो जा रहा है, मतलब जीरोस की क्वांटिटी डबल हो जा रही है, ठीक है? तो कह सकते हैं हम प्रॉपर्टी, इट इज एविडेंट दैट the number of zeros at the end of the square of number is twice the number of zero at the end of given number. Means जो भी number का square find करना है तो आप number तो number से multiply कर लेंगे and zeros जो आपके होंगे, like 4 है और उसका square निकाल रहे, 4 zeros है and we are finding the square, तो वो 8 zeros में answer आएगा. Like here we have 5 zeros, then answer will be 10 zeros, twice हो जाएगा. बाकी नंबर जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो आपको करना पड़ेंगे. तो दिस इज वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. नाउ अनदर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर. तो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज ट्रायंगुलर नंबर, राइट? ट्रायंगुलर नंबर मींस अगर हम उनको डॉट में बनाए, लाइक दिस इज वन, वन को आई कैन राइट इन दिस वे, वन डॉट, लाइक आई हैव थ्री, सो I can write in this way. Now I have 5, 6, ठीक है? Then 1, 2, 3, 2, 1. 5 मैंने इसलिए नहीं लिया कि it is not a triangular number. Now, like I have 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 and 1. देखिए, अगर आप इनको join करें, it is forming a triangle, right?
और भी नंबर्स हो सकते हैं, लाइक 15 ले लीजिए, एक और ले लेते हैं आपके समझने के लिए, 1 2 3 4 5, 1 3 4, 1 2 3 2 and 1, इसको भी अगर आप ज्वाइन करें तो इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल. सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर. ठीक है, अब जब ये नंबर्स हमने लिए जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम इनको ऐड करें, लाइक 1 में हम 3 को ऐड करें, ठीक है, तो क्या होगा, 1 + 3, एवरीवन नोज द रिजल्ट इज 4. अगर हम इनके डॉट्स ले लें एंड डॉट्स को ऐड करें, राइट, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, वी विल हैव 4 डॉट्स एंड 4 डॉट्स इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, 3 and 6 को हम ऐड कर लेते हैं, 3 and 6 इज इक्वल्स टू 9. नाउ 3, दिस इज 3, ठीक है, प्लस 6, 3, 2 and 1, ठीक है. अब अगर हम इनको ऐड करें, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये एक और ट्रायंगल है, ये इस पे जाके ऐड हो जाएगा. देखिए आप खुद कर सकते हैं इसको, इस ट्रायंगल को रोटेट करके यहां पर ऐड कर सकते हैं, सो अगेन इट विल फॉर्म अ स्क्वायर. 6 and 3 कितने डॉट्स हो जाएंगे, 9 डॉट्स हो जाएंगे. जब हमारे पास 9 डॉट्स हो जाएंगे तो इट विल फॉर्म अ स्क्वायर. एक और एडिशन करके देखते हैं, सो दैट वी कैन गिव अ कंक्लूजन. नाउ आई एम टेकिंग 6 and 10, 1 2 3 1 2 and 1, दिस इज 6, 10, 1 2 3 4, 1 2 3 7 हो गए, 2 and 1. देखिए दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अगेन अ ट्रायंगल, द रिजल्ट इज 16. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्टूडेंट दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप इसको घर पर भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं. सो रिजल्ट इज 16. सो व्हाट वी हैव, 6 + 10 इज इक्वल टू 16, मीन्स ट्रायंगल एंड ट्रायंगल को हमने ऐड किया, सो वी आर गेटिंग अ स्क्वायर. सो नाउ वी कैन कंक्लूड द प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर. इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि ट्रायंगुलर नंबर पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन ओनली ट्रायंगुलर नंबर, और वो भी कॉन्सिक्यूटिव. कॉन्सिक्यूटिव से मतलब, लाइक हमने 1 लिया तो वी नीड टू टेक 3. इफ वी आर टेकिंग 3 देन वी नीड टू टेक आइदर 1 और 6. If we are taking 6, then we can take 3 or 10. Means nearest, consecutive, एक के बाद एक. ठीक है, skip नहीं करना है. Like हम 3 and 15 नहीं लेंगे, और 3 and 10 नहीं लेंगे, या 15 and 6 नहीं लेंगे. ठीक है, consecutive होना चाहिए, एक भी miss नहीं करेंगे, alternate numbers नहीं लेंगे. So when we add 2 consecutive triangular number, then we will have a square number. हमने इसको डॉट के थ्रू भी प्रूफ करके देखा, ऐड करके भी प्रूफ करके देखा. 4 मीन्स इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, 9 मीन्स स्क्वायर ऑफ 3, 16 मीन्स स्क्वायर ऑफ 4, मीन्स वी आर गेटिंग स्क्वायर नंबर. ठीक है, सो दीज आर 2 वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ टू लर्न अनदर प्रॉपर्टी, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द इवन नंबर एंड ऑड नंबर. ऐसे तो आप जानते हैं, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, इवन नंबर मीन्स दोज नंबर हु इज डिविजिबल बाय 2, और यू कैन से द लास्ट प्लेस पे जो है आपके आइदर 0, 2, 4, 6 and 8, राइट, इवन नंबर. क्योंकि प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, जिनकी लास्ट प्लेस पर 2, 4, 6, 8, लाइक 22 इज अ इवन नंबर, 44 इज अ इवन नंबर, 86 इज अ इवन नंबर, 100 इज ऑल्सो इवन नंबर, 90 सब ले लिए हमने, 2, 4, 6, 8, 98 इज ऑल्सो
even number. But in case I am writing 81, so this is not an even number. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जिनके दो से divisible जो number होते हैं वो even number होते हैं. Now odd number, those number who are not even, जो even नहीं है वो क्या होंगे, odd number. Like 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Or you can say जिनके last digit 0, 2, 4, 6 or 8 नहीं है, that kind of number are called odd number, right? अब जो हमारी next property है, a number ending in 2, 3, 7, 8 is never a perfect square. So property saying कि number जो भी end हो रहे हैं either 2, 3, 7 and 8 they will never be a perfect square. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is the perfect square. इस पे based हमने पहले question किए हैं, एक और revision लेते हैं. Perfect square means जो भी number है, like हमने 16 लिया, so it is multiply by 4, it is equivalent to 4 multiply by 4, means जो भी number है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें ये नंबर मिल रहा है, देन दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 4. 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4. और कोई एग्जांपल ले, लाइक 25, सो 25 इज अ स्क्वायर ऑफ 5. बट नाउ आई एम टेकिंग 35, सो 35 जो है कोई भी ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें वही नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 35 मिले. 35 तो हमें बहुत तरीके से मिल जाएगा, लाइक 5, 7 is 35, बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें चेक करना है तो उनके एंड में 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको एग्जांपल से हम इसको प्रूव करके देखें. लाइक आई एम टेकिंग 82. अब अगर ये 81 होता सो आई कैन राइट 9 into 9, 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9. बट 82 जो है वो परफेक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, आइदर तो हम इसको फैक्टराइज करके देख लें. 82, 2 4s 2 1s, अब आगे हम और डिवीजन देख के देखेंगे, नहीं आ रहा है तो ये परफेक्ट नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी मेथड किया है. बट अब हम इसके लास्ट डिजिट देख कर भी कह सकते हैं, इट इज एंडिंग बाय 2. एंड द प्रॉपर्टी सेज अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 and 8. So this is perfect square? No. Another is like I am taking 93. So it is ending by 3. So this is not a perfect square. एक और छोटा सा example लेके देखते हैं, like 248. 248 आप 8 देख के भी कह सकते हैं कि this is not a perfect square. And if you want to solve, then you can solve also. 2 1s 2. Fine. 2 6s 12. 2 3s 31. अब जब आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, सो आई एम हैविंग 2 multiply by 2 multiply by 31. ये तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है स्क्वायर के लिए, बट देखिए इसमें एक 2 मिसिंग है, एक और 2 होना चाहिए था, राइट? एंड हेयर 31 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि केवल एक ही 31 है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए दो दो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है. मींस 248 को फैक्टराइज करके भी हमने चेक कर लिया कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बट प्रॉपर्टी अगर आपको रिकॉल है, देन डायरेक्टली यू कैन से इट इज एंडिंग बाय 8 एंड दोज नंबर हु आर एंडिंग बाय 2, 3, 7, 8 दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. एक 7 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आई एम टेकिंग 187. So 187 is also not a perfect square because it is ending by 7. ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्टली ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. नाउ अनदर चेक मेथड, एन नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 is never
perfect square. Means like I am having 160. सबसे पहले मैं जो उसका एंड नंबर है मींस फर्स्ट प्लेस है यूनिट प्लेस वो चेक करूंगी और यू कैन से नंबर एंडिंग दिस इज यूनिट प्लेस और अगर इसको इस तरफ से हम देखें तो दिस इज एंड ऑफ द नंबर. सो नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरो. ये कितने जीरो है यहाँ पर 10. 10 है मींस क्या है ये ऑड है ऑड नंबर ऑड नहीं है जीरो की क्वांटिटी कितनी है ऑड है 1 है. सो ये कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसको हम चेक कर लेते हैं. हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका ऑलरेडी सीखा हुआ है ठीक है. नाउ आई हैव अ फैक्टर्स 2, 5 टाइम्स आ रहा है एंड 5. दिस इज कॉम्बिनेशन बट अगेन दीज आर सिंगल अलोन ठीक है. इनमें एक 2 की और रिक्वायरमेंट है एंड एक 5 की और रिक्वायरमेंट है. अगर यहाँ पर एक 2 और होता एंड एक 5 और होता तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था ठीक है. बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आइदर यू कैन अप्लाई दिस फैक्टराइजेशन मेथड और इफ यू आर रिमेंबरिंग द प्रॉपर्टी देन यू कैन डायरेक्टली से इट इज एंडिंग बाय जीरो एंड द नंबर ऑफ जीरोज इज ऑड नंबर. एक ही जीरो है मतलब ऑड है. टोटल नंबर ऑड नहीं है नंबर ऑफ जीरो जीरो काउंट करना है हमें ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का जिससे आपको जीरोज क्लियर हो. लाइक आई एम हैविंग 400. यहां पर कितने जीरो हैं 2. दीज आर इवन 2. नंबर ऑफ जीरोज इज इवन. तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड यस इट इज स्क्वायर ऑफ 20. अब आप इसको चेक करके देखिए 400 250 225 5 5 and 5 1. नाउ हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे 4 2s and 5 into 5. देखिए पेयरिंग हो रही है. पेयर हो रहा है दिस इज 2 square 2 square and 5 square. एज आई टोल्ड यू इफ पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर डिफरेंट देन पावर वी कैन राइट इन दिस वे. हमने सिंपल एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई 5 2s are 10 2s are 20 square. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ 20 तक के स्क्वायर्स तो हमें टिप्स पे याद होना चाहिए. तो 400 क्या हुआ 20 का स्क्वायर हो गया. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी भी ये प्रूफ हो गया. प्रॉपर्टी वाज सेइंग दैट द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑड बट यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इवन. तो इवन है देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. बट ये ऑड है देन इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अब हम ऑड ले लेते हैं. आई एम रबिंग दिस एग्जाम्पल. आप इसको नोट डाउन कर लें. अब हम ऑड ले लेते हैं. लाइक आई एम टेकिंग 400 की जगह हमने कर दिया 4000 ठीक है. अब 4000 जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द नंबर ऑफ जीरोज आर 3. 3 मींस ऑड नंबर. दिस नंबर इज नॉट अ ऑड नंबर. नंबर ऑफ जीरोज आर ऑड. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम हम इसको चेक करके देख लेते हैं शायद ये आ जाए. तो हम इसे चेक करके देख लेते हैं ठीक है. 2000 2000 2 500 250 125 525 525 and 5 1s. अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख रही हूँ यही चेक कर रही हूँ. ये कपल बन रहा है पेयर बन रहा है ये पेयर बन रहा है ये पेयर बन रहा है. बट अगेन दीज आर रिमेन अलोन सिंगल रह गए ठीक है. इनकी कोई पेयरिंग नहीं है. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप फैक्टराइज करके देखें. आपको प्रॉपर्टी के थ्रू ही आंसर देना होगा क्योंकि छोटे नंबर हैं तो आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं. बट अब मैं इसे और बड़ा कर देती हूँ. लाइक आई एम टेकिंग 3 to 5 6 7. देन क्या आप इसे सॉल्व करना पसंद करेंगे
नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करेंगे बहुत लंबा जाएगा और माइट बी मिस्टेक्स भी हो जाए, सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो बेटर है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो आप क्लियरली इसको चेक कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, द नंबर ऑफ जीरोज आर 7, नंबर इज एंडिंग एंडिंग बाय जीरोज एंड नंबर ऑफ जीरोज आर 7 विच इज अ ऑड नंबर। एंड द प्रॉपर्टी सेज कि नंबर जिससे भी एंड हो रहा है अगर वो जीरोज ऑड है देन इट विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटर है कि आप प्रॉपर्टीज को टिप्स पे याद रखें इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि फैक्टराइजेशन कुछ छोटे नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट तक के लिए तो ओके है, बट अगर नंबर बड़े कर दें तो फिर हमें ये प्रॉब्लम भी देगा, टाइम भी कंज्यूम करेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आपका टाइम निकलता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। 3 प्रॉपर्टीज वी हैव टेकन जस्ट नाउ। 1 वॉज इफ नंबर इज एंडिंग बाय 2, 3, 7, 8, एंडिंग बाय मीन्स लाइक 122, दिस इज एंड, और यू कैन से नंबर एट द यूनिट प्लेस, ठीक है। अगर हम राइट डायरेक्शन से बात करें तो इट इज यूनिट प्लेस, अगर हम इस डायरेक्शन से बात करें सो इट इज एंडिंग प्लेस, राइट। सो नंबर एंडिंग बाय 2, 3, 7, 8 वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो ऑड हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तीसरा, इससे पहले हमने पढ़ा, इससे जस्ट पहले हमने उसको रब कर दिया है कि अगर ट्रायंगुलर नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को हम ऐड करें देन द रिजल्ट विल बी अ स्क्वायर। इफ वी आर एडिंग 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर देन रिजल्ट विल बी अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। सो इतना आप समझ के रखिए, प्रॉपर्टीज याद करिए, तो हम और आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नाउ अनदर 2 बेसिक प्रॉपर्टीज आर द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर is always even and similarly the square of an odd number. अभी हम इसे example लेके solve करेंगे, पहले हम property लिख लेते हैं। Square of an odd number is always odd. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये बहुत काम में आएगी। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, सबसे पहले इवन नंबर क्या होते हैं हमने अभी पढ़ा, जिनका एंड जो है वो आइदर 0, 2, 4, 6 एंड 8 से होता है एंड, ठीक है। और यू कैन से यूनिट प्लेस पे 2 का स्क्वायर इज 4, कोई भी इवन नंबर ले लीजिए लाइक 12 ले लीजिए, द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, कोई और नंबर ले लीजिए लाइक आई एम टेकिंग 20, स्क्वायर ऑफ 20 इज 20 × 20 मीन्स 400, कोई और इवन नंबर ले लीजिए लाइक आई एम टेकिंग 8 स्क्वायर, सो 8 × 8 मीन्स 64। अब हम इनके रिजल्ट्स चेक करेंगे कि वेदर दे आर इवन और नॉट। 4 इज एन इवन नंबर, यस, एंड इज एंडिंग प्लेस इज 4 मीन्स इवन, और यू कैन से एट द यूनिट प्लेस द डिजिट इज 4, तो इट्स अ इवन नंबर। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज अ इवन नंबर। सो क्या हुआ, इवन नंबर लिया और उसका जब हमने स्क्वायर किया तो हमें रिजल्ट क्या मिला, इवन। 20² = 400, द नंबर इज एंडिंग बाय 0, 0 इज अगेन इवन नंबर, सो दिस इज इवन। 8² नंबर इज एंडिंग बाय 4, 4 इज अगेन अ इवन नंबर, मीन्स वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट इवन नंबर स्क्वायर इज ऑलवेज अ इवन, ठीक है। सिमिलरली ऑड ले लें, सबसे पहले सिंपल सा ले लें, 1 इज ऑड नंबर तो 1² = 1, कुछ और ले लें 9 ले लें, 9² मीन्स 9 × 9, सो आंसर इज 81। 81 को अगर हम चेक करें तो एंडिंग बाय 1 मीन्स 1 इज अ ऑड नंबर, सो 81 इज अ ऑड नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय। So property says the square of odd number should be odd, is equal to odd आ ही रहा है हमारा, ठीक है। और कोई नंबर ले लें, 11 square ले लें, means 11 × 11, so the result is 121, again it's a odd number, so property हमारी जो बताई है वो fulfill हो रही है।
और कुछ ले लें, लाइक आई एम टेकिंग 13 स्क्वायर. 13 इंटू 13 मीन्स 169. ठीक है, 169 एंडिंग बाय 9 मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट इवन, इट मीन्स इट इज ऑड. सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर. राइट, now next is, now as we understand even and odd number clearly, then there is a one very interesting property. मैं आपको बिल्कुल उसको अच्छे से बताना चाहूंगी. Without adding find the sum. ठीक है, this property is based for odd numbers. Like ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन. इफ आई से एड फर्स्ट थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, 1, 3 एंड 5 ले लेते हैं. 1, 3 एंड 5 फर्स्ट थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर. इसको हम ऐड तो कर ही सकते हैं, इसका आंसर आप झट से बता देंगे, द आंसर इज 9. बट हम इसे ऐड नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी के थ्रू बताएंगे. ठीक है, ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3. इसका आंसर होगा स्क्वायर ऑफ जितने भी आपके नंबर हैं, कितना आएगा, 9. ठीक है, अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर एंड आई एम नॉट एडिंग, दीज आर फर्स्ट फोर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर इज 60. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आप खुद इसका रिजल्ट बता पाएंगे. 1, 3, 5, 7, 9 आई एम नॉट एडिंग दिस नंबर्स, आई एम काउंटिंग, दीज आर 5. सो डायरेक्टली आई कैन से इट इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड 25. अब आप इसे ऐड करके चेक करिए, 9 एंड 1 10, 7 एंड 3 10 एंड 5, ये टोटल रिजल्ट कितना है, 25. बट आई हैव नॉट एडेड, आई हैव यूज द प्रॉपर्टी जो मैं अब आपको बताना जा रही हूँ. जितने भी नंबर हैं, ये अप्लीकेबल किसके लिए है, ऑड नंबर्स के लिए, और जितने भी नंबर हैं आप उनको नंबर काउंट कर लें, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर 5 नंबर्स, तो आंसर विल बी 5 स्क्वायर मीन्स 25. फाइन, इसके बाद हम जो मैं नेक्स्ट दे रही हूं आप इसका आंसर बताएंगे. 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11. आई वॉन्ट टू एड दिस विदाउट एडिंग, आई वॉन्ट टू गेट रिजल्ट. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इनको काउंट कर लेंगे, दीज आर 6 नंबर्स, आंसर विल बी यस 36. अब आप चाहें तो इसे ऐड करके देख सकते हैं. तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स को आपको अगर ऐड नहीं करना है और उनका सम चाहिए, मींस यू वांट द सम बट यू डोंट वांट टू ऐड, देन विदाउट एडिंग आल्सो यू कैन फाइंड द रिजल्ट. कुछ भी नहीं करना है, नंबर्स काउंट करिए कितने हैं और उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, वो आपका आंसर होगा. ठीक है, बड़ा सा लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Then what do we need to do? We need to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So your answer will be 64. अब आप चाहें तो इसे ऐड करके चेक भी कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू चेक बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी. सो कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वी आर हैविंग ऑड नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द सम, देन वॉट विल डू, विल जस्ट काउंट द नंबर्स and will square off that particular number. So this is very simple and important property. So you should keep in the mind always कि ऐसी situation आई तो आपको क्या करना है. Now the another two very very important property. First I'll write the property and then I'll explain. Right? The first I'll write. If a number when divided by 3 leaves a remainder 2,
when it's not a perfect square. Means this property is applicable only when we are dividing by a number 3, ठीक है, and the remainder should be equal to 2, तभी हम कह पाएंगे कि वो perfect square होगा और नहीं होगा, ठीक है. Means ये check method होगा कि एक कोई भी number है, it is perfect or not, but we need to check by this property, then remainder should be 2, and जिससे हम divide देंगे वो number क्या होना चाहिए, 3. सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लें, लाइक 81, हम इसे 3 से डिवाइड देके चेक करते हैं. 3 टू जा 6, 1 कॉपी, 3 सेवन जा 21, रिमाइंडर जो है आपका यहां पर कितना आया, 0. जबकि प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2. सो हेयर रिमाइंडर इज 0, मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड 81 तो होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है. मीन्स ये केस नहीं लेना है. दे आर सेइंग कोई भी नंबर अगर दिया है, आप उसको 3 से डिवाइड देके देखिए. 3 टू जा 6, 3 कॉपी, 3 सेवन जा 21, रिमाइंडर इज 2. अगर ऐसा आ रहा है देन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. So this is another check method or property to check perfect square or not. ठीक है, अब हम example लेते हैं. Like I am having 170. So what I'll do? I'll divide by 3. 3 5s are 15. 2 remainder, 0 copy. 3 6s are 18. 2 remainder. So here remainder is 2 and we are dividing by 3. Means property is fulfilling. This is not a perfect square. और example लेके देखेंगे. Property को आप जितना practice करेंगे उतना objective type questions और short questions attempt करना easy हो जाएगा. 3 ones are 3, 2 remainder, 7 copy, 3 nines are 27, remainder 0, but 8 is remaining, so we'll copy 8 as it is. 3 2s are 6, now remainder is 2, again it is fulfilling the property, means this is not a perfect square. Next is 6 1 7, कोई भी नंबर लेके आप चेक करिए, मेरे पास ये ऑलरेडी है इसलिए मैंने इन्हें एग्जाम्पल के लिए लिया है. 3 2s are, 3 2s are 6, 0, 1 copy. बट 1 में 3 का डिवीजन नहीं जाएगा, वी नीड टू कॉपी 7 ऑल्सो, सो वी हैव टू पुट 0. नाउ आई कैन कॉपी अनदर नंबर, 3 5 आर 15, नाउ रिमाइंडर इज अगेन 2, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. इसी पे बेस्ड अनदर प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, सेम प्रॉपर्टी प्रीवियस जैसी, बट नंबर जो डिवाइड दे रहे हैं वो चेंज है. इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर आइदर 2 और 3, इट इज Not a perfect square. Means ये और अच्छा question हो गया. इसमें remainder के दो अपने को option मिल गए. अगर remainder 2 आएगा तब भी it is not a perfect square. And if remainder is 3, then also it is not a perfect square. But number is dividing by 4. 3 का case हमने लिया. Now we are taking the case of 4. 5, 78. 4 से ही divide देना हमें. 4 1s are 4, remainder is 1, I am copying 7, 4 4s are 16, remainder is 1, I am copying 8, again 4 4s are 16, remainder is 2. Now we will check the property,
if number when divided by 4 is leaving the remainder either 2 or 3. तो यहां पर remainder क्या है 2. So this is not a perfect square. ठीक है. Another example 654. Again I'll divide by 4. 4 ones are 4. Remainder is 2. 5 I am copying. 4 6 are 24. Remainder is 1. Now I am copying this 4. 4 3 are 12. Again remainder is 2. Number is dividing by 4 and it is leaving remainder 2. So this is again not a perfect square. 798. आप ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं. 4 वन्स आर 4. 3 9 आई एम कॉपिंग. 4 नाइन्स आर 36. रिमाइंडर इज 3. नाउ आई एम कॉपिंग 8. 4 नाइन्स आर 36. अगेन रिमाइंडर 2. सो दिस इज फुलफिलिंग द प्रॉपर्टी, मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. और डिजिट्स बढ़ा देते हैं. 1002. 4 से हम डिवाइड दे रहे हैं. 4 2s are 8. रिमाइंडर इज 2. आई एम कॉपिंग दिस 0. 4 5s are 20. राइट, रिमाइंडर इज 0. नाउ कॉपिंग 2 एंड यहां पर आपके 0 लगेगा. सो अगेन रिमाइंडर इज 2. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज फुलफिलिंग दिस प्रॉपर्टी.